बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव आपसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हरा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया सर बालू माफिया क्यों है तो कह रहा जाती है जनगणना कराओ। इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्रिमिनल क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में है आप बताइए ना, किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं। नमस्कार, मैं सुरंजना, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का फिर से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरजेडी के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को किसी विषय का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जीवन में ना तो उन्होंने कुछ पढ़ाई की है और ना ही कुछ समझा है। साथ ही उनका कहना है कि देश में सबसे ज्यादा क्रिमिनल आरजेडी में है। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जितने भी आदमी हैं, क्या अनपढ़ आदमी हैं? क्या मैं बिहार का नहीं हूँ? मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं की है? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, फ्रेंच नहीं बोलता हूँ? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या मुझसे बढ़िया भोजपुरी बोलेंगे? तेजस्वी यादव को ना भोजपुरी बोलना आता है और ना अंग्रेजी बोलना आता है। तेजस्वी यादव ने जीवन में ना कुछ पढ़ा है ना समझा है, सिर्फ बकवास करते हैं। किसी विषय का ज्ञान नहीं है, कभी जाति पर बोलना है, कभी धर्म के नाम पर बोलना है, दूसरे पार्टियों पर बस आरोप प्रत्यारोप करना है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर राज्य की जनता के मुद्दों की अनदेखी करने की बात कहते हुए कहा है कि बिहार की जनता पूछ रही है रोजगार नहीं है तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बीजेपी को रोको। बिहार की जनता पूछती है कि बालू और शराब माफिया क्यों हैं तो वो जातीय जनगणना की बात करके बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बिहार में अवैध बालू खनन की पोल खोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आज सभी लोग जानते हैं कि राज्य स्तर पर बालू माफिया कौन है। आज बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं। पूरे राज्य को इन्होंने बालू के खनन का केंद्र बना दिया है। आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है। मतलब तो यही हुआ ना कि बाघ ये कहे कि उसे मांस से लगाव नहीं है। आज इस देश में आरजेडी से ज़्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग किस पार्टी में हैं? आज इस देश में क्राइम और क्रिमिनल से इतने जुड़े लोग देश के किस पार्टी में हैं? आइए सुनते हैं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हरा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया सर बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं? आप बताइए ना, किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे ये लोग। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज 24 और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।